हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी वे। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगली नई नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लास में कुछ छात्र हैं। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या हॉल में कोई लड़की है? इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल? मैदान में कोई नहीं है। देयर इज़ नो बडी इन द प्लेग्राउंड। हमें से कुछ क्रिकेट खेलें। सम ऑफ अस प्लेड क्रिकेट। फिक्र मत करो मैं उसका ख्याल रखूँगा। डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ हर। मेरे पास बहुत सी पुस्तकें नहीं हैं। आई डोंट हैव मैनी बुक्स। कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। लेट मी हैव सम वाटर। तुम्हारे ग्लास में मेरे ग्लास से कम दूध है। योर ग्लास हैज़ लेस मिल्क देन माइन। नदी में बहुत पानी था। देयर वॉज टू मच वाटर इन द रिवर। जो तुमने किया वो बिल्कुल गलत था। वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्या यह उसका ठीक आधा है? इज़ इट एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट? कल अवश्य आना भूलना मत। Do come tomorrow, don't forget. मुझसे वादा करो तुम फिर ऐसा नहीं करोगे। Promise me that you would not do it again. क्या आप यह खबर सुनकर प्रसन्न हैं? Are you glad to know this news? वास्तव में मैं प्रसन्न हूँ। Of course, I am happy. तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो। You don't study hard, do you? निसंदेह मैं करता हूँ। Of course, I do. मैं अपना काम करके चला जाऊँगा। I will do the job and leave. मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका पसंद है। I like the way you think. तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। You should not be here. मैं अभी व्यस्त हूँ तुमसे बाद में बात करूँगा। I am busy right now. I will talk to you later. तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। You can't go back on your word. मैंने तुमसे कहा था ये उतना आसान नहीं है। I told you, it's not that easy. यह सिर्फ एक दिन का काम है। It's just a day's work. तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? Why do you always try to humiliate me? समझ नहीं आ रहा कि जाऊँ या नहीं। I don't know whether to go or not. इतना मेरे लिए काफ़ी है। That's enough for me. मेरे सामने दिखावा मत करो। Don't pretend in front of me. सही समय आने पर हम उसे सब बता देंगे। We will tell her everything.
When the right time comes, we will tell her everything. When the right time comes. हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर से पांच वर्ड लेकर आई हूँ. हमारा पहला वर्ड है अकॉर्ड. अकॉर्ड एक वर्ब होती है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है. इसका मतलब होता है टू ग्रांट, किसी को स्वीकृति देना या एग्री करना, हम उसे कहते हैं अकॉर्ड. हमारा दूसरा वर्ड है एकॉस्ट. एकॉस्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी वर्ब है और इसका मीनिंग है टू स्पीक फर्स्ट, पहले बोलना. हमारा तीसरा वर्ड है एग्र्यू. एग्र्यू की पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अराइज फ्रॉम, किसी चीज़ को बढ़ाना. चौथा वर्ड है एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना, उसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं. हमारा पांचवा और आखिरी वर्ड है एक्यूज. एक्यूज की पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अ चार्ज अगेंस्ट, किसी को अपराधी ठहराना या किसी पर कोई ब्लेम लगाना, उसे हम कहते हैं एक्यूज़.